कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी हो गई है। केस की जांच कर रही एसआईटी ने मीटिंग के दौरान कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को यह जानकारी दी। प्रज्वल हसन से जेडीएस के सांसद और लोकसभा कैंडिडेट थे। हसन में 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। आरोपों के बाद प्रज्वल को 30 अप्रैल को जनता दल एस से सस्पेंड कर दिया गया। प्रज्वल पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। इस केस में एचडी रेवन्ना भी आरोपी हैं, जिन्हें शनिवार को दूसरा लुकआउट नोटिस भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जाँच के लिए शनिवार को एसआईटी रेवन्ना के घर पहुंची। यहाँ रेवन्ना समर्थकों ने टीम के साथ हाथापाई की। 28 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ उनकी पुरानी हाउसमेट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इसके बाद प्रज्वल के करीब 200 से ज़्यादा वीडियो सामने आए। दावा किया गया है कि महिला खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही है और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ किडनैपिंग का भी केस दर्ज किया गया है। केस में एचडी रेवन्ना के करीबी सतीश बबन्ना को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।